डियर स्टूडेंट्स, स्टाल्फा इंटर कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। और ये वीडियो चार्ट के लिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ट्रांसलेशन का टॉपिक चल रहा है। ट्रांसलेशन में मैं आपको साफ टेंस हमारे थे, इनके सेंटेंस किस तरह से ट्रांसलेट होते हैं समझा चुका हूँ। आज हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। और जैसे कि रोज बता रहा हूँ आप लोगों को कि हमें केवल तीन चीज़ों का पता होना चाहिए, उसके बाद किसी भी सेंटेंस को हम इंग्लिश में आसानी से ट्रांसलेट कर लेते हैं। कैसे? सबसे पहले जो हिंदी का सेंटेंस हमारा लिखा हुआ, उसके हमें आइडेंटिफिकेशन का पता होना चाहिए, यानी कि पहचान का पता होना चाहिए। पहचान होगी कि हिंदी वाक्य के अंत में जो है दिया, लिया, किया, चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस तरह के शब्द आते हैं। तो हमने पहचान कर ली कि ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। बेटा दूसरी चीज हम देखते हैं कि जब चल गया पता कि पास्ट परफेक्ट टेंस है, उसके बाद हमें उसकी हेल्पिंग की जरूरत पड़ेगी। तो हेल्पिंग में से हिंदी में सहायक क्रिया होती है, इसमें केवल एक आती है, हैव। चूंकि है और हैज की सेकंड फॉर्म हैड होती है। आगे बढ़ते हैं मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्टार्टिंग में जब मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाया था, तो कहा जाता कि जितने परफेक्ट होते हैं हमारे, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इस चीज को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। पहला हमारा जो चलेगा वो एफिरमेटिव सेंटेंस चलेगा। एफिरमेटिव सेंटेंस, समझे नहीं बेटे आराम से? देखिए मैंने आपको बताया था कि कर्ता क्रियाकर्म हमारा जो होता है किसी भी एफिरमेटिव सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है, वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब ये हमें बताना पास्ट परफेक्ट, तो यही हम हेड लगा देंगे, है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारी कोटेशन बन जाती है। इसी के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, तुमने मेरी गली चुराई थी, सेंटेंस है हमारे पास, तुमने मेरी घड़ी चुराई, चुराई है या चुराई थी बेटा, एक ही बात होती है। अब यहां देखिए, आप समझेंगे यदि यहाँ है शब्द होता तो हमारा प्रेजेंट में होता, या थी है या थी भी ना होता, केवल चुराई होती तो भी हमारा पास्ट में है। क्या करेंगे हम? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना, फिर वर्ब और फिर जो भी ऑब्जेक्ट है हमारा, हमें वो लगाना, साथ में साइड क्रिएट कर देनी है। तो यू करता है, करने वाला यू, हैड स्टोलन, वर्ब की थर्ड फॉर्म माई वॉच। इस प्रकार से हम इसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे। नेगेटिव सेंटेंस, तो बेटा नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम रखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेड के साथ नोट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि रूल है कि सहायक क्रिया के साथ हम नोट लगा देते हैं। प्लस फिर वही वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में यदि कोई शेष वर्ड है तो लगाएंगे, अदरवाइज हम फुल स्टॉप लगा देंगे। जैसे राम ने खाना, या राम खाना नहीं बना चुका था, बना चुका था, सेंटेंस हमारा ये हो, या राम ने खाना नहीं बनाया था, ये हो, हमारी एक ही बात है। तो हम क्या करेंगे, देखिए क्या है, राम खाना नहीं बना चुका था, तो राम हैड नॉट, राम हैड नॉट खाना बनाने के लिए कुक, ईडी लगा देंगे, थर्ड फॉर्म बन जाएगी फूड। और बेटा कई बार बता चुका हूं, ये बहुत ही नोट करने वाली बात है, कंपटीशन में आता है कि वी कांट नो नॉट यूज ऑफ दी बिफोर फूड, फूड से पहले हम द का प्रयोग नहीं करते, यदि करते हैं तो हमारा सेंटेंस भी गलत माना जाता है। आगे बढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या करेंगे हम? सबसे पहले सब्जेक्ट को मिलेंगे, क्योंकि क्या वाले वाक्य होते हैं तो सुनने क्या आता है, तो हेड लगा देंगे, हेड के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट लगाते हुए ध्यान रखेंगे जो शेष वर्ड बचेंगे वो रखें, उसके बाद क्वेश्चन मार्क होने लगा था, क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखेंगे, क्योंकि जहां हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया तो जरूरी है कि उसके बाद क्वेश्चन मार्क भी हमें देना है। क्या है सेंटेंस? क्या चपरासी
घंटी बजा चुका था, घंटी बजा चुका था। ये सेंटेंस बेटे देखिए हमारा क्या चपरासी घंटी बजा चुका था, तो हम आराम से ट्रांसलेट कर देंगे। शुरू में 11 तक हम हटा देंगे हेड, हेड दी प्योन, हेड दी प्योन रंग दी बेल, रंग दी बेल। ये हमारा सेंटेंस हो गया क्या चपरासी घंटी बजा चुका था। इसके बाद लास्ट हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या करेंगे। पहले क्वेश्चन वर्ड, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया, उसके बाद में हेड, हेड के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां थोड़ा मिस्टेक कर चुका हूं मैं, देखिए हाँ ठीक है, पहले क्वेश्चन वर्ड फिर हेड फिर सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसके बाद में क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। क्या है, तुम कितने आम खा चुके थे, खा चुके थे। ध्यान देंगे बेटे कितने, तो जब काउंटिंग की बात है हाउ मेनी, और जब किसी तो यदि काउंटिंग की बात आ रही है तो हाउ मेनी हम यूज करेंगे, क्योंकि हम गिन सकते हैं, तो हाउ मेनी मैंगो, हाउ मेनी मैंगो, हाउ मेनी मैंगो हैड यू ईटन, ई ए टी ईटन। इस प्रकार से अपने सेंटेंस क्लासिफाई करते हैं, आशा करता हूँ समझ आ गया। आप लोग मेहनत से समझेंगे और पढ़ेंगे, और जितने भी आपकी किताब में इस तरह के सेंटेंस दिए हैं आप लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे किताब में देख करके, और उसके बाद उसका मेरे पास भेज देंगे, तो उसे चेक करके आप लोगों को जो भी मिस्टेक होंगी बता दूंगा। थैंक यू।